रायपुर में दोपहिया में एक और चार पहिया में दो सवार से ज्यादा बैठने पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे खतरे को देखते हुए एसएसपी अजय यादव ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। रायपुर शहर के सभी थाना प्रभारी और सीएसपी को निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं सभी चेकिंग प्वाइंट से गुजरने वाले वाहन चालकों का नंबर भी नोट किया जाएगा। लोग जो है सब्जी लेने के नाम से या और कहीं कोई मृत हो गया ऐसा भी बहाना लोग बना रहे हैं। अभी तक के दो गाड़ियां जो है खड़ा हुआ है और कुछ लोगों की चालान जो है नगर निगम के द्वारा जो है काटा जा रहा है लगातार। पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में सर्वाधिक मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर कलेक्टर रायपुर एसपी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन जो है 22 से 28 तारीख तक जारी रहेगा, जिसके चलते राजधानी पुलिस जो है वो भी काफी सख्त हो गई है, सख्ती बढ़ती जा रही है। रायपुर एसपी ने निर्देश दिया है कि यदि कोई दो पहिया वाहन चालक में अगर दो व्यक्ति सवार होते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, और इसके अलावा अगर कार चार पहिया वाहन जैसे की है तो उसमें सिर्फ दो व्यक्ति ही सवार हो सकते हैं, और अगर इसके अलावा नियमों का उल्लंघन कोई करता है तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। अगर कोई अनावश्यक घर से बाहर निकल रहा है तो इस पर कार्रवाई की जा रही है, और अगर कोई अपने काम से घर से बाहर निकल रहा है तो उस पर किसी तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है, उन्हें छूट दी गई है। आवश्यक सेवाओं से जो संबंधित जो व्यक्ति निकल रहे हैं उन्हें छूट दी गई है। तो इसी तरीके से ये जो नजारा है वो राजधानी रायपुर का सामने आ रहा है। कैमरामैन रेखाम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।